हम लोग फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चार क्वेश्चंस की मदद से ये समझाऊंगा कि आप अपना फ्रीलांसिंग करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है नीश सिलेक्शन क्यों जरूरी है, दूसरा क्वेश्चन नीश को कैसे सिलेक्ट करना है, यानी कि आज आप मान लीजिए अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू करना चाहते हैं तो उसमें नीश कैसे सिलेक्ट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। नीश सिलेक्ट तो कर लिया, अब स्टार्ट कैसे करूं, तो आप फ्रीलांसिंग को कैसे स्टार्ट करेंगे, आप चाहे तो आज से ही इस वीडियो को खत्म होने के बाद अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू कर सकते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मैं आज अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू करता हूं तो मैं इसमें कब से अर्न करने लग जाऊंगा और कितना अर्न कर सकता हूं, इस चीज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको 5 पॉइंट्स ऐसे देकर के जाऊंगा जिसमें आप इस वीडियो के खत्म होने के तुरंत बाद अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाई नीश सिलेक्शन, अगर आपको ये क्लियर होगा कि आपको करना क्या है तो आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में भी उस काम से बोर नहीं होंगे और आपकी लाइफ में कभी भी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा। क्योंकि जितने लोगों की लाइफ में सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है एक्चुअली उनको ना नीश का नहीं पता होता, वो बस घुस जाते हैं कि आज वो मैथ पढ़ा रहे हैं, कल वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, परसों वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से उनकी लाइफ में ना कई भटकाव आते हैं जिसकी वजह से वो कभी इधर कभी उधर और एक सैचुरेशन पॉइंट पर जाकर अटक जाते हैं। फिर उनको लगता है कि सब कुछ बेकार है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। अगर आपका सही नीश है तो आप 110% 2-3-4 साल 10 साल जब तक चाहे मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं हाउ टू सिलेक्ट नीश। नीश को सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। यस, इसमें आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपको ऐसा कौन सा काम आता है जिसको करने में आपको बहुत मजा आता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, जिनको टीचिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे जिनके ना दिमाग बहुत क्रिएटिव है, वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, एक ही सिचुएशन के ऊपर 10 तरीके से सोच सकते हैं, तो ऐसे लोग कंटेंट डेवलपमेंट पे जा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग पे जा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो HR डिपार्टमेंट से हैं, जैसे मेरे एक साथी हैं अभी मेरे साथ जुड़े हैं मुंबई से, है ना, वो क्या है, वो HR है। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना ट्रेनिंग देना, कंटेंट डेवलप करना ये बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, ऐसे लोगों के लिए YouTube सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और YouTube के ऊपर जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे पहले हफ्ते से आप अर्निंग कर सकते हैं। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा, जिस रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूं इसमें आपके अगर 100-200 व्यूज भी आ रहे हैं ना, यस मैं फिर से बता दूं, 100-200-300 व्यूज भी आ रहे हैं उसके बाद भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपको कोई भी काम अगर करना आता है जिस काम को करने में आपको मजा आता है और जिस काम को आप लाइफ टाइम कर सकते हैं, बोर नहीं होंगे, वही आपका एक्चुअल नीश है। नीश कैसे सिलेक्ट करना समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग करियर। तो हमारा ये तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल के लिए आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूं जो कि सबसे आसान है और फ्री है। यस, जो कि सबसे आसान है और फ्री है। पहला ऑप्शन है आपके लिए YouTube चैनल, जैसे मैंने किया था। मैंने कुछ भी नहीं था लेकिन मैंने अपने मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि उस समय ना मुझे ये पता था कि मुझे किस ड्रेसिंग सेंस के साथ कैमरे पे आना है, ना मुझे ये पता था कैमरे को कैसे फेस करना है, मैं डरा रहता था कैमरे से, है ना, बहुत नर्वस रहता था। इसके अलावा ना मुझे ये पता था कि कैमरे के सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बस मैं बोल देता था। तो मैंने अपना करियर इस तरीके से स्टार्ट किया, ना मेरे को एडिटिंग आती थी, ना मेरा बैकग्राउंड सही था, वो सारी चीजें बस मैंने बना दी। तो ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो तभी डालेंगे जब आप परफेक्ट हैं, आपको एडिटिंग परफेक्ट आती है, आपको बोलना बहुत अच्छा आता है, ऐसा नहीं है। आप बस कुछ भी बना करके डालिए, क्योंकि मार्केट हर किसी व्यक्ति को, मैं फिर से बता दूं, यूट्यूब पे जब भी कोई व्यक्ति काम करता है हर किसी व्यक्ति को एक चांस जरूर मिलता है एटलीस्ट उसको टॉप पे जाने के लिए। उस चांस को अगर उसने पकड़ लिया तो 110% वो ग्रो कर जाएगा। तो या तो आप YouTube से शुरू करिए, या दूसरा ऑप्शन है ब्लॉगिंग से स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे, सर मैं ब्लॉगिंग से तो स्टार्ट करूंगा, ब्लॉग कहाँ पे लिखूं, उसमें तो मेरे पास वेबसाइट बनाने के पैसे नहीं है, मैं वेबसाइट कैसे बनाऊंगा, ब्लॉग तो वेबसाइट पे ही जाएगा। तो आप blogger.com पे जा सकते हैं, blogger.com गूगल का ही अपना एक प्रोडक्ट है, वहां पे आप फ्री वेबसाइट सब डोमेन के साथ में चला सकते हैं और वहां से अच्छा खासा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से करा जाता है। तो चैप्टर 1 के अंदर ही मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, यहाँ पे तो अभी मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताए हैं, लेकिन हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं, यस मैं उसमें बिलीव नहीं करता कि प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, वो तो यूट्यूब पे बहुत है, ऐसा ऐसा ज्ञान है यूट्यूब के ऊपर जो कि लाखों रुपए की फीस दे करके भी हम मार्केट से नहीं ले सकते, तो वो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। लेकिन हमारी जो लाइव क्लासेस होती है उसके अंदर हम Q&A के साथ में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हैं कि एक्चुअली में कैसे काम किया जा सकता है, राइट। अब यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं कितना पैसा कमा सकता हूं अगर मैं आज फ्रीलांसिंग शुरू करता हूं। आप ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि आज मैं शुरू करता हूं तो मैं एक हफ्ते में कितना कमा लूंगा, एक महीने में कितना कमा लूंगा, एक साल में कितना कमा लूंगा। तो मेरा आंसर पता है, अनलिमिटेड।
यस, मेरा आंसर है अनलिमिटेड। आप जितना चाहें, आपका टारगेट 1,000 का है 1,000 कमाएंगे, आपका टारगेट 10,000 का है 10,000 कमाएंगे, आपका टारगेट 1 लाख रुपए का है 1 लाख कमाएंगे, आपका टारगेट 50 लाख का है 50 लाख कमाएंगे। यस, क्योंकि मैंने खुद किया भाई। पहले अपना टारगेट सेट कर लेना और फिर जो भी आपको अर्न करना है उसी के हिसाब से अपना वर्किंग आवर्स डिसाइड करके अपना डेडिकेशन के साथ में प्लग जाइए, जितना चाहे अर्न कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है और इसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है। फ्रीलांसिंग एंटरप्रेन्योर बनने का पहला स्टेप है। यस, अगर आप फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल हो गए तो आप ये समझ लीजिए आप बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्योंकि जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे आप अंबानी को देख लो, अडानी को देख लो, टाटा को देख लो, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, ये सारे लोग पहले एक छोटे स्टेप से शुरू करे थे, एज अ फ्रीलांसर इन्होंने स्टार्ट किया था। लास्ट में 5 स्टेप्स बता देता हूं जिससे आप अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आपको करना ही है, क्योंकि जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे कि आपको करना ही है तब तक आप कर नहीं पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, अब हम बात करते हैं कि चलो दृढ़ निश्चय कर लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद अपना किस नीश पे आप काम करेंगे, नीश को सिलेक्ट कर लीजिए। तीसरा यहाँ पे है, नीश सिलेक्ट हो गया तो जो नीश आपने सिलेक्ट किया ना उसके ऊपर आप डेमो के रूप में कुछ कंटेंट बना करके, चाहे वीडियो फॉर्मेट में चाहे ब्लॉग फॉर्मेट में, पब्लिक को दीजिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए, पब्लिक को देखिए कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि ना नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे ई बुक लिख दी किसी ने, ई बुक को फ्री में आप एक बार पीडीएफ की फॉर्मेट में अपने 4 दोस्तों में बांटी, उनको बोलिए कि एक बार पढ़ के बताओ यार ये कैसी है, आपको कैसी लगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक डेमो कंटेंट आप बनाइए और बना करके 24 घंटे के अंदर अंदर अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर दीजिए। इससे आपको रिव्यूज मिल जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में आप कितना बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं। और जब आपने डेमो कंटेंट बना दिया उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में जस्ट एक छोटा सा काम रह जाएगा, आपका डेमो कंटेंट अगर लोगों को पसंद आया, लोग आपके कंटेंट की प्रशंसा कर रहे हैं, तो अब आप करिए अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट बना करके मार्केट में लॉन्च कर दीजिए। डिजिटल प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपने कोई ऑनलाइन कोर्स बना करके लॉन्च कर दिया, या फिर आपने क्या किया, एक ई बुक लिख करके अमेजोन किंडल पे जाकर के पब्लिश कर दी, नॉर्टन पे पब्लिश कर दी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, या इसके अलावा आपने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया, या आपने क्या किया अपने ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट करे, ब्लॉग के अंदर अमेजोन एफिलिएट का लिंक उठा करके वहां पे अपने उसके अंदर पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे एफिलिएशन हो सकते हैं, मतलब आपने किसी भी कंपनी के साथ में एफिलिएट हुए और होकर के वहां से प्रोडक्ट के लिंक उठा करके अपने ब्लॉग के अंदर कॉपी पेस्ट इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया बेसिकली, तो वहां से क्या होगा, आपकी क्रॉस सेल बढ़ेगी और आपका रेवेन्यू जनरेट होगा जो कि डे वन से स्टार्ट हो सकता है अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा होगा तो। एंड हमारा लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, अर्न अनलिमिटेड। यस, अर्न अनलिमिटेड। अगर आपने पहले 4 स्टेप कर लिए, सबसे पहले दृढ़ निश्चय कर लिया, दूसरे नंबर पे आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, नीस को सिलेक्ट कर लिया, तीसरे नंबर पे डेमो आपने स्टार्ट कर दिया, डेमो दे दिया मार्केट के अंदर, चौथे नंबर पे अपने डिजिटल प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया, देन पांचवें नंबर पे अर्न अनलिमिटेड। अगर ये 5 स्टेप्स फॉलो कर लेते तो आज से अभी से आप अपनी एक फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग इसमें गाइडेंस चाहते हैं, 1 साल की गाइडेंस का मैं 1500 रुपए फीस लेता हूं, यस मैं बोल रहा हूं 1500 रुपए फीस लेता हूं पूरे 1 साल की। 2024 में अगर आप फ्रीलांसिंग गाइड के रूप में चाहते हैं कि मैं आपको एज अ मेंटोर मैं आपको गाइड करूं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं, आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। अदरवाइज फ्रीलांसिंग का बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं वीडियोस और देख करके अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, आपको एक मेंटोर चाहिए, तो मैं आपके लिए 1 साल के लिए अवेलेबल हूं, मात्र 1500 रुपए मेरी फीस है। अगर आप चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं चैप्टर 2 के अंदर, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अगर नीश सिलेक्ट कर लिया तो अब आप अपनी अर्निंग को बूस्ट करेंगे, है ना। एक होता है ना कि चलो अर्निंग आनी स्टार्ट होगी, 10-5-20 रुपए मैंने कमाना शुरू कर दिया, 20 रुपए को 2000 में कैसे कन्वर्ट करूं, 20,000 में कैसे कन्वर्ट करूं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बताऊंगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको कुछ हटके लगा, कुछ नॉलेज आपको कैसी लगी, या आपको चीजें जो है क्या थोड़ी बहुत क्लियर हुई, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी है जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।